हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मेरा नाम है विकास शर्मा और ये एक कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज रहेगी जिसमें हम कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को, कंप्यूटर के बेसिक्स को स्क्रैच से करेंगे और ए टू जेड तक समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, और मैं बता देता हूं कि इस सीरीज को मैं बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से बता रहा हूं, ताकि जिसको कंप्यूटर का सी भी नहीं मालूम है वो भी पूरा इस सीरीज को समझ सके अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये सीरीज का सबसे पहला वीडियो है और इस टॉपिक का मैंने नाम दिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर हमारे पास दो टाइप के रहते हैं। एक रहते हैं इस टाइप का कंप्यूटर, जिसमें आपने देखा रहेगा कि ये कुछ ऐसा जैसा रहता है और यहाँ पे ये चीजें रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, और जो ये वाला रहता है छोटा जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लैपटॉप। ठीक है, तो ये हो गया लैपटॉप और ये हो गया डेस्कटॉप। तो सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे चार चीजें रहती है। डेस्कटॉप में यहाँ पे ये वाली एक चीज रहती है जिसको स्क्रीन बोलते हैं, और ये एक चीज रहती है नंबर दो, और नंबर तीन ये वाली चीज रहती है, और नंबर चार ये वाली चीज रहती है। ठीक है, और इन चीज के बारे में हम, जो ये हमारे पास चार आइटम्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे यहाँ पे समझने वाले हैं वीडियो में। तो सबसे पहले इन चार के बारे में यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। अब इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जो ये नंबर एक वाली चीज आई है ना, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर भी बोलते हैं, स्क्रीन भी बोलते हैं, एलईडी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहिए वो आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं, डेस्कटॉप बोलिए, मॉनिटर बोलिए इसको, स्क्रीन बोलिए आप इसको, एलईडी बोलिए आप इसको, कुछ भी आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये एक आउटपुट डिवाइस रहता है, जिससे हम आउटपुट डिवाइस क्यों इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इससे हमको आउटपुट मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर, स्क्रीन एंड एलईडी। ठीक है, डन। एंड चलते हैं सेकेंड आइटम्स की ओर, और जो सेकंड आइटम रहेगी ये, इसको हम बोलते हैं सीपीयू, और ये सबसे मेन चीज है कंप्यूटर में, क्योंकि जो भी सारी वर्किंग रहेगी, जो भी कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग रहती है वो सीपीयू में ही रहती है। ठीक है, तो ये सबसे मेन, और इसको ब्रेन भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है ना, माइंड है, वो यही है, क्योंकि इसके अंदर सारा स्टोर रहता है चीजें, इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो सभी इसी के अंदर रहती है। ठीक है, और सीपीयू की फुल फॉर्म रहती है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी से बना सेंट्रल, पी से बना प्रोसेसिंग, यू से बना यूनिट। ठीक है, तो तीसरी जो आइटम है उसकी तरफ चलते हैं। तीसरी जो कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप में आइटम रहती है, वो रहती है हमारे पास कीबोर्ड। अब देखिए इसका कीबोर्ड नाम कैसे पड़ा, ये देखिए पूरा आपके पास ये स्ट्रक्चर जैसा आपको दिख रहा है, जो एक बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड में क्या है, जो ये छोटी छोटी चीजें ना लगी, जैसे कि ये है यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है कहीं पे भी, यहाँ देखो के लगा है। ठीक है, जो ये वाली चीजें हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कीज, इनको हम बोलते हैं कीज। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ इसको क्या बोलते हैं, ये एक बोर्ड जैसा दिख रहा है ना, इस बोर्ड के ऊपर क्या लगी है, कीज लगी हुई है। तो इसका पूरा नाम क्या रखा गया इसका, तभी इसका नाम रखा गया कीबोर्ड, क्योंकि बोर्ड के ऊपर ये कुछ कीज लगी हुई है, तो इसका नाम क्या हुआ, कीबोर्ड। और ये क्या एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे जो है हम इनपुट सिग्नल अंदर को दे रहे हैं, और स्क्रीन से क्या हो रहा था, सिग्नल बाहर को आ रहा था, वो हो गया आउटपुट, और इससे जो सिग्नल है वो अंदर को जा रहा था, इसलिए ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट के बारे में डिटेल में आगे वीडियोस में समझेंगे, ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताया बेसिक सा। तो नेक्स्ट जो फोर्थ हमारे पास यहाँ पे आइटम रहेगी वो रहेगी माउस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है माउस का, और इसमें यहाँ पे देखिए दो बटन रहते हैं, एक ये वाला बटन है यहाँ पे देखिए, एक ये वाला बटन है, और यहाँ पे मैं आपको यहाँ से ऐसे ही बता देता हूँ, देखिए ये मैं जो लाइन कर रहा हूँ ये वाला, ये एक बटन रहता है इसमें, ये फर्स्ट बटन है, इसमें दो बटन रहते हैं, ये फर्स्ट बटन है, और यहाँ पे भी इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दूसरा बटन है। ठीक है, और जो ये है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोलर, आर ओ डबल एल आर, ये रोलर है। ठीक है, तो इसमें तीन बटन रहते हैं एक्चुअली में, फर्स्ट वन, सेकंड वन, एंड रोलर कौन सा हुआ, तीसरा बटन।
ठीक है, इसको लेफ्ट बटन बोलते हैं, इसको राइट बटन बोलते हैं, और इसको रोलर बोलते हैं। इसमें तीन बटन हमारे पास यहाँ पे होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है माउस, ठीक है। और ये वो चूहा वाला माउस नहीं है, नाम इसका माउस ही है बट ये वो नहीं है, ठीक है। तो ये होगी चार हमारे पास इसमें आइटम है। तो अब देखिए जो डेस्कटॉप थी इसकी हमने चारों आइटम के बारे में समझ लिया। नंबर एक हमने जान लिया कि ये क्या होती है, एलईडी स्क्रीन या डेस्कटॉप, कुछ भी आप इसको, या मॉनिटर कुछ ही बोलिए। और दूसरा ये हुआ हमारे पास सीपीयू, जिसको हम फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मैन जो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, माइंड होता है, वो यही रहता है क्योंकि सारी प्रोसेसिंग इसी में रहती है। एंड जो थर्ड हमारे पास आता है वो आता है कीबोर्ड, और कीबोर्ड इसका मैंने नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि एक बोर्ड का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कुछ कीज लगी हुई है। और अगर बात किया जाए तो एक बेसिक कीबोर्ड में कितनी कीज रहती है, और हमारे पास बेसिक कीज रहती है 104, ठीक है। इस कीबोर्ड में टोटल बेसिक 104 कीज रहती है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, बट अगर एक एवरेज बेसिक कीबोर्ड की बात की जाए तो 104 कीज होती है, क्योंकि कुछ गेमिंग अगर कीबोर्ड की बात की जाए तो उसमें काफी कीज और भी हो सकती है ना। और जो फोर्थ जो हमारे पास आइटम है वो है ये माउस, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया इसमें तीन बटन होते हैं, एक दो और तीसरा रोलर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे लैपटॉप की तरफ। अब आप बोलेंगे लैपटॉप, इसमें भी चार चीजें रहती है, जो मैंने आपको चार चीजें बताई ना डेस्कटॉप में, वही सेम टू सेम लैपटॉप में भी रहती है। अब देखिए फर्स्ट आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये है ये स्क्रीन है टोटल, ये वाली क्या है, ये स्क्रीन है जो मैंने आपको बताई थी, उसमें स्क्रीन एलईडी डेस्कटॉप मॉनिटर, ये वो चीज है। नंबर एक पे आ गई, और नंबर दो पे कीबोर्ड, और यहाँ पे देखिए जो ये वाला हिस्सा है ना, ये क्या है, इसमें कीबोर्ड लगा हुआ है। ये वाला कौन सा हिस्सा आ गया, नंबर दो हिस्सा, कौन सा, कीबोर्ड का हिस्सा। और माउस की बात अगर किया जाए तो ये देखिए यहाँ पे लगा होता है, इसको बोलते हैं माउस, और जो बटन होते हैं माउस के वो देखिए वो ये रहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट बटन, ये हो गया हमारा राइट बटन, और जो रोलर की बात किया जाए वो ये वाला एरिया रहता है, ये वाला, इसमें रोलर हमारा अंदर। बट वैसे अदरवाइज लैपटॉप में रोलर की नीड पड़ती नहीं है, है ना। ये माउस का एरिया हो गया, और ये लेफ्ट बटन हो गया, ये राइट बटन हो गया। अब आप बात करेंगे मेन जो हमारी इसमें सीपीयू, सीपीयू उनकी मेन पार्ट है, तो एक्चुअली में जो इसकी यहाँ पे अंदर रहता है एरिया, मदरबोर्ड का एरिया सारा, उसमें हमारा इसमें सीपीयू रहता है, इसी में ही हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट जो है सीपीयू का, वो यहाँ पे रहता है फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा सीपीयू, ठीक है। तो आज हमारा क्लियर हो गया ये कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। डेस्कटॉप हमारा क्लियर हो गया कि इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, इसको हम लैपटॉप बोलते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन होगी, ये हमारा सीपीयू हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये स्क्रीन हो गई, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया, और इसके अंदर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सीपीयू हो गया, है ना। और इसमें से ये वाला क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस कौन से हुए, कीबोर्ड एंड माउस, ये क्या इनपुट, आउट। इनपुट डिवाइस क्यों हुए, क्योंकि इससे क्या होता है, सिग्नल अंदर को जाता है, सीपीयू को जाता है ना। और ये आउटपुट डिवाइस हुआ क्यों, क्योंकि इससे सिग्नल हमारे क्या हो रहा है, बाहर को आ रहा है ना। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी आपको कंप्यूटर के टॉपिक की नीड होगी वो आप बताइए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।